उनके पास CDSL है 1300 के भाव पे। CDSL अगर सर 1300 के भाव पे किसी ने लिया हो, या CDSL पे ओवरऑल पहले व्यू दे दीजिए, क्योंकि ये सबके लिए फिर काम का होता है कि CDSL में जो लोग कुछ काम करना चाह रहे हों, क्योंकि किसी को अगर अपॉर्चुनिटी दिख रही हो इस गिरावट में खरीदारी की तो क्या है या नहीं है, और जो फंसा हुआ हो तो उसके लिए भी क्या राय। सर देखिए, CDSL काफी अच्छी गिरावट ले चुका है, 1084 के आसपास चल रहा है, आप 1300 तक फंसे हुए हैं तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आप वेट कर लो, आप मोटा मोटी 50 पॉइंट का आर्ट, बिकॉज 1025 पे मुझे इसमें सपोर्ट दिख रहा है, और 1025 का सपोर्ट एक ऐसा सपोर्ट है जो नॉर्मल सपोर्ट नहीं है, बहुत जबरदस्त सपोर्ट ले रहा है, मुझे लगता है 1025 पर ये सपोर्ट ले लेगा, और वहां तक भी नहीं, मुझे लगता है 1041-45 के पास में भी सपोर्ट एक बन रहा है। सो दो सपोर्ट जब काम कर रहे हैं तो वहां पर वो कहीं ना कहीं एक कंसोलिडेशन जोन में चला जाएगा, 1025 और 1050 के बीच में जाकर कंसोलिडेट होता रहेगा। सो आपने जब इतनी गिरावट देख ली है तो मैं बोलूंगा 50 पॉइंट की गिरावट आप और देख लो, नए दर्शकों के लिए मैं बोलूंगा कि 1025 से 1050 के बीच में आता है, आप वहां पर आप धीरे धीरे जो होता है बॉटम फिशिंग जो होती है वो आप ग्रैब करना स्टार्ट करो, मुझे लगता है ये सपोर्ट ले लेगा 1025 का और वहां से एक अच्छा बाउंस बैक दिखाएगा। और जहां तक 1300 की बात है तो मुझे लगता है कि 1 से 1.5 साल के अंदर में ये स्टॉक मुझे 1445 का भाव दिखा रहा है। अगर मैं अगले साल 2024 का जून का मंथ देख रहा हूँ तो प्राइस फैक्टर जो है वो मुझे प्लेनेटरी प्राइस 1445 से 1465 के बीच में ले जा रहे हैं, तो मैं बोलूंगा आपको वेट करना चाहिए, जब आपने इतनी गिरावट देख ली है तो आप एक बार इस स्टॉक को भूल जाओ 1 साल के लिए, आपको ये स्टॉक फायदे में देगा और बहुत अच्छा फायदा देगा। अगर थोड़ा सा लंबे अगर देखने जाए, अगर हम अगर हमें 2 साल का नजर रखो 2024 के दिसंबर तक अगर मैं देख रहा हूं तो वो प्राइस मुझे 1680 दिखा रहा है। सो आप अच्छे प्रॉफिट में निकल सकते हैं, आपने काफी लॉस देख लिया है स्क्रीन के ऊपर में, अब आप स्क्रीन देखना बंद कर दें, 1 साल के बाद देखें आप प्रॉफिट देखेंगे जी। तो ये है CDSL पे नितिन सर का व्यू।